अच्छा, कभी आप लोगों में किसी ने ब्लड प्रेशर को मेजर किया है किसी ने? ये कोई आइडिया हो कैसे बीपी को चेक करते हैं? जी मैम, किया है। जी अच्छा, एहसान कैसे करते हैं? मैम, का जो बीबी पेट से कफ को बांध के और साथ में स्टेथोस्कोप लगा के। जी अच्छा ठीक है, फिर वैसे भी आर्टरी से भी कर लेते हैं। अच्छा आर्टरी से कैसे करते हैं? आर्टरी से जब हम कफ को बांधते हैं, ठीक है, वह पहले पल्स फील करते हैं और तब उसके में हाँ जी, आप मिसा बिल्कुल आप बता दें किस तरह करते हैं। अच्छा, आपको साले पता है कैसे करते हैं? वो मिस जब वो ये आर्टरी में रखल, जब वो चल रही हो, जब उसको हम प्रेस करते हैं तो जब उसमें हवा भर जाती है, तो जब आर्टरी जो है वो उसकी बंद हो जाती है मूवमेंट, वहां से नोट करते हैं। फिर जब उसको रिलीज करते हैं प्रेशर को, तो फिर जहाँ पे वो दोबारा शुरू होती है वहां से नोट करते हैं। मेरा ख्याल इसी तरह ही करते हैं। कभी आपने किया खुद? ये तो थ्योरी इसी हो तरह गई। जी किया, इसी तरह किया, देखा अच्छा, तो मैंने। कितना ब्लड प्रेशर आया उस पर्सन का? 120, 110 से 90 या 80 तक होता है। बाद में आ गई है। नहीं, आपने जब उनका मेजर किया उनका कितना आया था? 110, 90 आया था। 90। ठीक है। अच्छा, एक होता वो जो आप बता रहे हो कि मरकरी या आप उसको कफ को यूज कर रहे हो, एक होता पल्पेट्री मेथड, कभी किसी ने ऑब्जर्व किया है कि डॉक्टर्स क्या करते हैं? रिस्ट पे हाथ को रखते हैं तो कफ को लगाया होता है और उससे भी ब्लड प्रेशर बता रहे होते हैं, ऐसा कभी किसी ने ऑब्जर्व किया? रिस से पकड़ के वो भी इसी तरह ही होगा जैसे वो प्रेस करते हैं, कि ये डिफरेंट होता जी मैम, उसमें ऐसे करते हैं ना हम, कि उसको जैसे हम वो कफ लगाते हैं और हवा भरते हैं बलून के अंदर, तो मरकरी जा रही होती है ऊपर, साथ में आवाज आ रही होती है। जैसे ही आवाज रुक जाती है तो वहां पे हम उसको स्टॉप करते हैं, वो उसको सिस्टोलिक हो गया। और यस, जैसे भी हम गुड। उसको नीचे की तरफ लेके आते हैं, आवाज आना जब शुरू होती है, वो हमारा सिस्टोलिक। नहीं, ऐसा मैं पूछूं, पल्पेट्री मेथड आप तो मुझे दूसरा मेथड बता रहे हो ना, कफ जो लगा के हम जी स्फिगो मैनोमीटर वाला मेथड यूज करें, एक होता पल्पेट्री मेथड, जी जी वो पूछूं मैं? वो जो रिस्ट से चेक करते हैं, हाथ हाँ हाँ उंगली जी रखे जी जी फिंगर जी से। मैं वही पूछ वही पूछ रही हूँ जो फिर से चेक करते हैं। आइडिया है उसके बारे में? इसका तो मैम जो मोस्टली आईडी हम जो इसमें चेक करते हैं उसको, उसके पहले बलून में हवा भर के मरकरी तकरीबन 200 तक ले जाते हैं। अच्छा फिर उसको जब नीचे आने देते हैं, नीचे आने देते हैं, जब उसकी जो फर्स्ट सिस्टोलिक आता है वो तकरीबन, जब अगर 130 पर आता है तो ऑब्वियसली उसका जो डायसिस्टोलिक वो 90 पर जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैंने जी ना ये मैम, चीज ऑब्जर्व ऐसे की करने जब की। वैक्सीन लगवाने की, मैं तो वहां पे आप अगर आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई है तो पहले क्या करते हैं, आपका टेम्परेचर को चेक करते हैं, फिर आपके ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, तो वो क्या कर रहे थे, पल्पेट्री मेथड ही यूज कर रही थी ना? पल्पेट्री मेथड से हमें सिर्फ सिस्टोलिक पता चलता है, डायसिस्टोलिक नहीं पता चलता। नहीं पता तो चलता है, सही मैम। हाँ, लेकिन वो ना एक एक्सपीरियंस हुए थे, जैसे आप मुझे बता रहे हो ना कि 130 आया तो डायसिस्टोलिक जो होगा डेफिनेटली 90 होगा, तो वो भी जी सेम मैम, ऐसे ऐसे ही कर चल रही रहा है। थी। वो उन्होंने पल्पेट्री मेथड से किया फटाफट क्विकली और सिस्टोलिक पता चल गया और डायसिस्टोलिक उसके अकॉर्डिंग लगा दिया। मैंने कहा ये भी एक अच्छा वे है, शॉर्ट टाइम के अंदर क्विकली ब्लड प्रेशर को मेजर करने का वे। जी अच्छा एक्चुअली मैम, उसे जल्दी हो रहता है वो। मैंने भी ये जब वैक्सीन पर करा चेक, साले, आपने स्क्रीन शॉट्स ले लिया करें और एफओ के जिन जो भी वकास हैं ये रूबा है वो भी ले लिया करें। अच्छा, आज हमने स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और नॉर्मली जैसे कुछ लोगों ने मेरे से डिस्कस किया उनको आइडिया है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं आइडिया होगा, तो लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जो एक एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप लोग को जरूर आनी चाहिए, नॉन मेडिकल को भी वैसे आनी चाहिए बट एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको तो मस्ट आनी चाहिए। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है,
और ब्लड प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, या पल्स चेक की जाती है, पल्स के बारे में आइडिया है, जिससे हम पल्स रेट बोलते हैं या हार्ट रेट बोलते हैं, उसको कैसे काउंट किया जाता है? जी मैम, पल्स को पर मिनट के लिए चेक कर सकते हैं, हम पर सेकंड से भी चेक कर लेते हैं कैसे? मैम। उसको पर सेकंड में हम मेजर करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 8 टाइम आ गई है तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा बताइए प्लीज। मोस्टली ये हम चेक करते हैं 10 सेकंड, 10 सेकंड में अच्छा जितनी आई पल्स, जैसा कि हाँ 10 आ गई तो उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके फाइन ठीक। जी मैम। ठीक है ठीक है। और एक 30 वाला रूल भी होता है, 30 सेकंड की और और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। ऐसा ना कहीं इस तरह जॉब करते हो मेडिकल फील्ड में? जी मैम, अभी मैं उधर मेडिकल में, अभी मैं एक्चुअली अपना फर्स्ट एड बॉक्स रीफिल कर रहा हूँ, वो आया हूँ, मैं ड्यूटी पे खड़ा हूँ तो हैंडफिल लगाई हुई, इसलिए मैं साथ ये काम कर रहा हूँ, साथ वो भी कर रहा हूँ। अच्छा, बच्चों आज हम नहीं पढ़ना है ब्लड प्रेशर क्या होता है और पल्स क्या होता है। ब्लड प्रेशर एज द नेम इंडिकेट द प्रेशर ऑफ ब्लड, ब्लड प्रेशर बेसिकली द प्रेशर ऑफ ब्लड। ये देखिए ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स बेसिकली क्या होती हैं बच्चे? ये आपकी 3 लेयर से मिलके बनी होती हैं। सॉरी, जैसे हम कहते हैं एक पाइप होता है, ठीक है, पाइप प्लास्टिक से मिलके बना हुआ है, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती हैं। आई थिंक मैंने आप लोगों को जब हमने कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी की थी तो मैंने आपको ब्लड वेसल्स की कंपोजिशन बताई थी, इसकी 3 लेयर्स होती है, इनर मोस्ट इंटीमिया, मिडल मोस्ट मीडिया एंड आउटर मोस्ट इज एडवेंचिया और एक्सटर्ना। इंटीमिया बेसिकली क्या होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, ये तीनों लेयर्स मिलके आपकी ब्लड वेसल बनाती हैं, और सेंटर में ये जो एक स्पेस क्रिएट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन, जहाँ से ब्लड गुजरता है। जैसे आपका पाइप होता है घरों में तो वहां से क्या गुजरता है, पानी गुजर रहा होता है स्पेस के अंदर से, और आपकी बॉडी के अंदर उन ब्लड वेसल से क्या चीज पास करती है, ब्लड पास करता है। बेसिकली जो मीडिया लेयर है, मुझे याद आ गया हमने कल भी इस बात को डिस्कस किया है, मीडिया के अंदर कौन से, मीडिया नेम इंडिकेट्स के मसल्स, तो ब्लड वेसल्स में कौन से मसल्स होंगे, स्केलेटन मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्मूथ स्मूथ मसल्स। मसल्स, यस गुड, स्मूथ स्मूथ मसल्स मसल। होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही ब्लड आपके, आपको पता है कि हमने पढ़ता हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपके जो राइट साइड ऑफ हार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये आपका हार्ट है, हमने कहा था कि ये राइट साइड ऑफ हार्ट होती है और ये लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होती है। राइट साइड में क्या होता है, ये कौन सा एट्रियम है, राइट और लेफ्ट? हरी अब राइट राइट एट्रियम। और ये क्या होता है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। ठीक होगा बच्चे। ये क्या शो हो रहा है ऊपर ब्लू कलर की, कौन सी वेन है? मैम पल्मोनरी। नो, पल्मोनरी तो बेटा राइट, ये है जो आपकी ठीक है लेफ्ट मैम, का, सब यस फिर ये वेना कैवा, और ये नीचे वाली कौन सी आ रही है, इंफीरियर वेना इंफीरियर कावा। वेना, ये वेना कैवा, यस वेरी मैम। गुड। तो बच्चे होता क्या कि आपका जितना भी ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड मीन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, आपकी बॉडी ने ऑक्सीजन यूज कर ली तो आपके हार्ट में डेफिनेटली दोबारा आएगी। तो स्पीयर वेना कैवा से, इंफीरियर वेना कैवा से आपके राइट एट्रियम में आती है, राइट एट्रियम में वॉल्व होता है, वो खुलता है और ब्लड किस में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में। फिर इसी तरह आपका जो, क्योंकि आप देखिए पल्मनरी सर्कुलेशन एज द नेम इंडिकेट्स कि ब्लड अब कहाँ जाएगा, आपके हार्ट से किसकी तरफ जाएगा, लंग्स की तरफ जाएगा। लंग्स तो यहाँ पे क्या होती है, पल्मनरी आर्टरीज होती हैं, पल्मनरी आर्टरीज, राइट पल्मनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी लंग्स के पास गया, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको क्लियर करता है, और पल्मनरी वेन्स के थ्रू ही ऑपोजिट है, आपके कहाँ ब्लड आता है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एटीएम में। लेफ्ट एटीएम से कौन सा वाल्व ओपन होता है, मिट्रल वाल्व ओपन होता है या ट्राइकस्ट वाल्व ओपन होता है? बाइकस्पिड
बाइकप्स्ट और मिट्रल वॉल ग्लूट. और ब्लड कहाँ चल जाता है बच्चे? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है. मेरा आपसे क्वेश्चन है, जब ब्लड बॉडी के अंदर जाता है ठीक है थ्रू एओर्टा, तो वो हार्ट के किस चैम्बर से जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल. यस, लेफ्ट वेंट्रिकल से. लेफ्ट वेंट्रिकल से एक लार्ज आर्टरी स्टार्ट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एओर्टा. और एओर्टा से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर जाता है. सो देयर आर टू सर्कुलेशन, नंबर वन पल्मोनरी एंड नंबर टू सिस्टेमिक. पल्मोनरी मतलब लंग्स, जिसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से किसकी तरफ जा रहा है? लंग्स की तरफ. और सिस्टेमिक सर्कुलेशन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी में जाएगा. तो आपकी हार्ट से जो बॉडी की तरफ, जाहिर हार्ट से बॉडी की तरफ जाना तो साफ खून जाना चाहिए या गंदा खून जाएगा, जिसे ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड का वर्ड हम यूज करते हैं? ऑक्सीजनेटेड. डेफिनेटली. तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू एओर्टा और फिर आर्टरीज डिफरेंट निकलती हैं, यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाता है. अब ब्लड प्रेशर क्या होता है? जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल, और हमने ये भी पढ़ा था जो मसल्स होते हैं ना लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर या वेंट्रिकल्स के अंदर स्ट्रोंग होते हैं एज कम्पेयर टू एट्रिया, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में जाना होता है और आपके राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपके लंग्स में जाना होता है. तो इनके अंदर जो मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ज्यादा उनकी पावर होती है. जैसे ही ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंट्रैक्ट करके एक प्रेशर के साथ ब्लड जो है एओर्टा, एओर्टा से आगे आर्टरीज के अंदर भेजते हैं. जैसे हम अपर लिम की आर्टरीज के बच्चे बात करते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले एक्जिला आता है जिसे हम अंडर आर्म बोलते हैं. वहां से जब वो आर्टरी गुजरती, आर्टरी है एक ही पाइप है, बस उसका नाम डिफरेंट है. जैसे जैसे वो आर्टरी जिस जिस जगह से गुजरेगी बस उसका नाम चेंज होता जाएगा. जब वो एक्जिला से गुजरती है तो उसको एक्जिलरी आर्टरी बोल देते हैं. जब वो आर्म से गुजरती है वही आर्टरी, आर्म के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं? हम ये चीजें कर चुके हैं. बेटा हम आर्म के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं, याद है किसी को? एक्सिलरी मैम. नहीं, एक्सिलरी तो अंडर आर्म एरिया के लिए यूज करते हैं ना. ब्रेकियाए. आर्म के लिए दूसरा वर्ड हम ब्रेकियाए यूज करते हैं. तो जैसे ही आर्टरी एक्जिला से गुजरी, एक्जिलरी आर्टरी बनी, आर्म के अंदर आई तो ब्रेकियल आर्टरी हो गई. और जैसे ही आपके फॉर्म के अंदर आती है, फॉर्म के अंदर रेडियस एंड अल्ना होती है, तो उसको हम बोल देते हैं रेडियल आर्टरी एंड अल्ना आर्टरी. फिर वही आर्टरीज आपके आगे हैंड के अंदर जाती है, फिर उसके डिफरेंट ब्रांचेज आ जाएंगे. तो होता क्या है, इसी तरह अगर हम लोअर लिम के बच्चे बात करते हैं तो लोअर लिम में क्या है, आपके सबसे पहले फीमर पड़ी है, वहां से जब आर्टरी गुजरेगी उसे क्या बोलेंगे? फीमोरल आर्टरी. फीमोरल आर्टरी. जब वो लेग्स में जाती है तो लेग्स में क्या पड़ा हुआ? टिबिया एंड फिब्युला. उसका नेम क्या पड़ जाएगा उन आर्टरीज का? टिबियल आर्टरी एंड फिब्युलर आर्टरी. और जैसे ही वो आर्टरी आपके फुट के अंदर एंटर होती है, फुट के हमें पता ऊपर वाला जो पोर्शन, जैसे आप अपने फुट को देख सकते हो, उसको बोलते हैं डॉर्सम ऑफ द फुट. और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांटर. तो जैसे ही वो डॉर्सम ऑफ द फुट में आर्टरी जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? डॉर्सेलस पीडियस आर्टरी, बिकॉज फुट के लिए हम पीडियस का वर्ड यूज करते हैं. तो वही आर्टरी जो आपके लेग के अंदर होती है, आपके फुट के अंदर एंटर होते हैं, तो उसका नेम क्या पड़ जाता है? डॉर्सेलस पीडियस आर्टरी. तो बेसिकली कि मैंने आर्टरीज को क्यों एक रिवाइज किया आप लोगों को, कि ये बताने के लिए कि हम किन किन आर्टरी से ब्लड के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. अगर हम समराइज करें, अपर लिम में हम किस किन आर्टरीज को देख सकते हैं, कोई बता सकता है? रेडियल आर्टरी. रेडियल आर्टरी. और हम ब्रेकियल आर्टरी को गुड. ठीक है, आपने ब्रेकियल आर्टरी बताई, आपने रेडियल आर्टरी बताई, ठीक हो गया. और चलें कोई बात नहीं बच्चे, हम अपर लिम्स अगर हम कहें ना, अपर लिम हम कौन कौन सी आर्टरीज को मेजर करके ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, तो हमारे पास, मैं आपको शेयर करती हूँ. जैसे ये देखिए पिक्चर शो रही गूगल से आपको. ठीक है, ये हमने कहा था ये एक्जिला से जब आर्टरी गुजरती है तो उस आर्टरी का नाम क्या पड़ जाता है? एक्जिलरी आर्टरी. एक्जिलरी आर्टरी. जब वो आर्म से ये ब्रेकियाए से गुजरती है उसका नाम क्या होता है? ब्रेकियल आर्टरी. ब्रेकियल आर्टरी. और हमें पता है थंब वाली साइड पर कौन सी बोन होती है? रेडियस होती है, अल्ना होती है. थंब वाली साइड
रेडियस होती है, रेडियस, और लिटिल फिंगर वाली साइड पे कौन सी बोन होती है? अल्ना, अल्ना बोन, यस। तो हम अपर लिम के अंदर बच्चे हम ब्रेकियल आर्टरीज मोस्टली आपने देखा होगा क्यूबिटल फोसा के अंदर ये जो कफ है या स्थेथ है उसको प्लेस किया जाता है। इसके बाद हम जो पल्पेटरी मेथड यूज करते हैं, पल्पेटरी मेथड क्या होता है कि जिसमें आप पल्पेट करते हो सॉरी जिसमें आप पल्पेट करते हो विद योर फिंगर्स, तो पल्पेटरी मेथड के हम रेडियल आर्टरी को यूज करते हैं। व्हाई वी प्रेफर रेडियल आर्टरी एज कम्पेयर टू अल्ना आर्टरी, रीजन इज दैट कि रेडियल आर्टरी जो है वो सुपरफिशियल होती है एज कम्पेयर टू अल्ना आर्टरी, क्योंकि हम पल्पेट करके बीपी को मेजर कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो मोस्ट सुपरफिशियली जो हम इजिली पल्पेट कर सकते हैं हम उसको असेस करते हैं, और जो इजिली असेस हो जाती है वो हमें रेडियल आर्टरी होती है। इसी तरह अगर हम लोअर लिम की बात करते हैं, बाज ऐसे लोग भी होते हैं जो मजदूर होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते, तो उनमें हम भी कहाँ से उनके ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं? लोअर लिम से। लोअर लिम के अंदर कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं? फीमोरल आर्टरी, टिबियल आर्टरी और फिब्यूलर आर्टरी, डोर्सालिस और पेडिस। यस, डोर्सालिस पेडिस आर्टरी, गुड। अच्छा अच्छा, इस पिक्चर में फीमोरल नहीं नजर आ रही। एनीवेज बच्चे हम इसको देख लेते हैं, यहाँ से जो आर्टरी है वो कौन सी होगी? फ्यूमोरल आर्टरी। तो यहाँ पे कफ को बांध के यहाँ से जो ब्लड प्रेशर लेंगे उसे बोलते हैं फ्यूमोरल आर्टरी से हमने ब्लड प्रेशर लिया। इसी तरह ये जो पीछे फोसा होता है, इस फोसे को हम क्या बोलते हैं? जो नी के पीछे पॉपलेटर फोसा। तो जैसे ही ये फ्यूमोरल आर्टरी पॉपलेटर फोसा में आती है तो उस आर्टरी को हम क्या बोलेंगे? पॉपलेटियल आर्टरी। यस, पॉपलेटरी आर्टरी। तो हम वहां से भी मेजर कर सकते हैं बच्चे। इसी तरह टिबियल आर्टरी इंटीरियर इंटीरियरली आती है तो उसमें बोलते हैं इंटीरियर टिबियल आर्टरी। वही टिबियल आर्टरी पीछे वाली लेग के पोर्शन को सप्लाई करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। जैसे इस पिक्चर में भी नजर आ रहा है पीछे वाली साइड पे जो आर्टरी है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, तो वहां से भी हम ये कर सकते हैं। इसी तरह ये जो रेड कलर की आर्च टाइप आपको आर्टरी नजर आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं? डॉर्सालिस पीडियस आर्टरी। तो हम यहाँ से भी कफ को रैप करके यहाँ से भी ब्लड प्रेशर को जो है वो मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा फोरहेड, फोरहेड पे यहाँ पे जो आर्टरी गुजरती है ये बाज में, तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस लेते हैं ना तो ये जो टेम्पोरल एरिया होता है कान के साथ ऐसे पल्पेशन फील होती है, या लोगों की सम टाइम कुछ लोगों की विजिबल भी होती है। आप देखते हो सिंपली तो ऐसे लग रहा है कोई चीज ऐसे ब्लड यहाँ से जो है पल्पेट कर रहा है, कभी किसी चीज को ऑब्जर्व किया? यस मैम, होता है ना। चलिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो आर्टरी है इससे भी हम ये कर सकते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? टेम्पोरल आर्टरी। तो ये डिफरेंट आर्टरीज है बट मोस्ट कॉमनली जो प्रैक्टिस के अंदर हम यूज करते हैं वो कौन सी? जो सारी आर्टरी डिफरेंट आर्टरीज तो है बट मोस्ट कॉमनली कौन सी आर्टरी है? ब्रेकियल आर्टरी। हम ब्रेकियल आर्टरी से जो है ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। सो ये थोड़ी सी समरी मैंने चीजों की इसलिए बताई ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ें तो हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हों। तो अब हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर। तो बच्चे हमने पढ़ा ब्लड प्रेशर क्या है कि बेसिकली आपका जो ब्लड का प्रेशर होता है ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, कि जैसे ही आपका ब्लड जो है ब्लड वेसल से गुजरता है और वो प्रेशर इंजर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मे बी डिफाइंड एज द एट्रियल ब्लड प्रेशर विच इज, और दूसरी बात ये भी हमेशा याद रखनी है कि ब्लड प्रेशर हम आर्टरी से मेजर करते हैं, वेन से नहीं करते, क्योंकि आर्टरीज होती है वो सुपरफिशियल पड़ी होती है जबकि वेन्स जो है वो डीप होती है। और दूसरी रीजन ये भी है क्योंकि हार्ट से ब्लड जब जाता है तो आर्टरीज लेके जाती है या वेन्स लेके जाती है? आर्टरीज लेके। हमने जब प्रेशर को मेजर करना होता है तो हम आर्टरीज को चूज करते हैं। बेटा दो तरह का प्रेशर होता है जब ब्लड गुजरता है, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक हमें हार्ट का एक रूल है जिसपे वो वर्क करता है कि उसमें क्या होता है कंटीन्यूअसली कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, क्योंकि हार्ट के मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो होता क्या है बच्चे, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बॉडी के अंदर जा रहा है थ्रू आर्टरीज, तो जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को आपकी आर्टरीज में भेजते हैं और उस वक्त जो आप ब्लड का प्रेशर मेजर करते हो दैट इज सिस्टोलिक। और इसी तरह जब आपको पता है
वेंटिकल्स खाली हो चुके हैं तो उसने दोबारा खुद को फिल करना है, तो ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाता है ताकि ब्लड उसके लेफ्ट एटीएम से लेफ्ट वेंटिकल के अंदर आए। इसी रूल को हार्ट फॉलो करता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लेफ्ट एटीएम में ब्लड आता है तो इस वक्त लेफ्ट एटीएम क्या करेगा, कॉन्ट्रेक्शन करेगा, रिलैक्सेशन करेगा, जब ये ब्लड से फिल हो जब ये कॉन्ट्रेक्शन करेगा, यस। तो इस वक्त लेफ्ट एटीएम के अंदर ब्लड आया, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका लेफ्ट वेंटिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। गुड। तो मेन एक चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, दूसरी चीज रिलैक्स होती है। तो जैसे ही आपका लेफ्ट वेंटिकल कॉन्ट्रेक्शन में गया, उसने ब्लड को भेजा, वो ज्यादा प्रेशर से जाएगा, उसके बाद वेंटिकल खाली हो जाएगा, तो वेंटिकल क्या हो जाएगा, रिलैक्स होगा या फिल्ड होगा, ये कॉन्ट्रैक्टेड होगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो डेफिनेटली रिलैक्सेशन का ये मीन हरगिज नहीं है कि लेफ्ट वेंटिकल के अंदर ब्लड ही नहीं होगा। हाँ, हम ये कहते हैं कि वो उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं होंगे, मसल रिलैक्स्ड में होंगे, बट ब्लड भी होगा और वो ब्लड आपकी आर्टरी से पास करके बॉडी में भी जा रहा होता है, क्योंकि हम कहते हैं हार्ट कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है। अगर ब्लड एक सेकंड के लिए भी बॉडी में ना जाए तो वहां पे तो इस्कीमिया होने लग पड़े, वहां पे तो टिश्यूज के सेल्स की डेथ होने लग पड़े। तो बेसिकली जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को भेजता है एक ज्यादा प्रेशर के साथ, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, और जब वो रिलैक्स होता है, बट उस दौरान भी ब्लड जो है आपके आर्टरी से पास कर रहा होता है, और उस वक्त जो प्रेशर ब्लड की वेसल में इंसर्ट होता है उसको हम बोलते हैं डायसिस्टोलिक। इसीलिए हम कहते हैं कि सिस्टोलिक की वैल्यू नॉर्मली क्या होती है, 120, और डायसिस्टोलिक की वैल्यू क्या होती है, 90। क्यों? क्योंकि सिस्टोलिक की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि सिस्टोलिक में आपका लेफ्ट वेंटिकल किस फॉर्म में होता है, कॉन्ट्रेक्शन में या रिलैक्सेशन में, कॉन्ट्रेक्शन में। तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ब्लड वेसल्स पे, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और डायसिस्टोलिक क्यों कम होता है प्रेशर एज कम्पेयर टू सिस्टोलिक, कि मैम हार्ट के मसल रिलैक्स कर रहे होते हैं और ब्लड का प्रेशर भी कम होता है। यस, वेरी गुड। सबको ये बात क्लियर है? और राज स्टूडेंट्स? अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम मैंने ये पूछना था, अभी हमने कहा है ना कि जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो हम आर्टरीज को यूज करते हैं बिकॉज के वो सुपरफिशियल है, लेकिन मैम जब हम ये सर्च करते हैं कि हम जब आईवी इंजेक्शन देते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शन, तो फिर वो हमें आंसर देता है क्योंकि कहता है वेन्स सुपरफिशियल है। जरूर बच्चे, मैंने अभी आपको बताया, देखो हार्ट से आर्टरीज निकलती है, वेन्स निकलती है, आर्टरीज मैम, ठीक है। तो हम प्रेशर को कहां से मेजर करेंगे, आर्टरीज से, वेन्स से, आर्टरीज से मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए ठीक है। लेकिन मैम, जी मैम, आर्टरीज के निस्बत वैसे वेन ज्यादा सुपरफिशियल होती है कि नहीं? यस, होती है, एज कम्पेयर टू आर्टरीज आपकी वेन्स सुपरफिशियल होती है। आपको जो नजर आ रही है ब्लू ब्लू कलर की, वो आपकी वेन्स और आगे कैपिलरीज ही होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। बच्चे पढ़ते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक के मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स व्हिच डेवलप्स एट द पीक ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। क्लियर हो गई डेफिनेशन बच्चे? यस मैम। ठीक है। और नॉर्मली सिस्टोलिक कितना, 120, बट ये वेरी करता है एज के अकॉर्डिंग, ये तो हम कहते हैं कि एवरेजली है, 110 से 120 तक अगर सिस्टोलिक हमें मिलता है वो नॉर्मल है, इसमें ये नहीं हम कहते कि इसका बीपी ज्यादा है, ये कम हुआ हुआ है। लेकिन एक और चीज भी हमेशा याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। जैसे हम लोग यंग एज में तो हमारा 120/90 है, बट जो 30-40 या स्पेशली 50s वाले होते हैं उनका ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो 140/100 होता है, बट वो उनके अकॉर्डिंग नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है एज के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि ब्लड जब ब्लड वेसल्स से गुजरता है ना, तो ब्लड वेसल्स अगर प्रेशर ज्यादा के साथ आ रहा हो तो ब्लड वेसल्स अपने आपको थोड़ा सा डायलेट कर लेते हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी होती है, बट एज के साथ साथ क्या होता है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, लचक खत्म हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो वो ब्लड जब गुजरेगा तो प्रेशर ज्यादा वॉल पे डालेगा या कम डालेगा? ज्यादा डालेगा। हाँ जी, इसलिए जो एजिड होते हैं या हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं उनका ब्लड प्रेशर वो ज्यादा लेकिन बट उनके लिए वो नॉर्मल होता है। डायसिस्टोलिक क्या है? दिस इज अ मिनिमम प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन दी wall of the blood vessels during ventricular diastole, जब ventricles relax होते हैं।
और ये कितना होता है 80। अच्छा कुछ मैंने ऐसे भी गर्ल्स देखी है कि उनका बीपी जो है ना वो हमेशा ही डाउन रहता है, हमेशा ही कम रहता है। अगर हम जैसे लोग हो तो हमारा अगर वो 120/80 और हमारा अगर 100/70 या 60 हो रही तो हम फेंट हो सकते हैं, कुछ भी होगा। बट कुछ मैंने गर्ल्स का क्या देखा है कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मली भी कितना रहता है 90/60, 100/60। ऐसा किसी लड़की का एक्सपीरियंस है? जी मैम ऐसा होता है, मैं चेक करता हूँ, ज्यादातर ऐसे ही आता है। अच्छा तो वो क्यों होता है वैसे, मतलब नॉर्मल है या उनके लिए उनके लिए नॉर्मल ही है? मैम मेरे ख्याल से मैम उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी होती है। हाँ वो उनके लिए नॉर्मल ही है। वो अक्सर लोग कहते हैं अच्छा इतना कम ब्लड प्रेशर आई तो बड़ा ही कम है, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? तो वो उनकी जो बॉडी की कंपोजिशन है या बॉडी को जो रिक्वायरमेंट उनके अकॉर्डिंग, वो उनके लिए नॉर्मल ही है। अच्छा तो डायसिस्टोलिक जो है 70-80 तक जो है वो रेंज कर सकता है। अब मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, हम इसके लिए ये जो डिवाइस यूज कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, अब हम कहते हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर जैसे हम फॉलो कोई नहीं करते, पेशेंट आता हमने थोड़ी बीपी चेक किया और बस जान छुड़ाई, बट बुकिश के अकॉर्डिंग हम चीजें देख लेते हैं। पेशेंट को ये करना है कि वो 15 से 20 मिनट जो पहले उसने रेस्ट की हो और फिर उसका हम बीपी चेक करते हैं। उसके लिए हम सिटिंग पोजीशन भी यूज कर सकते हैं, लाइंग पोजीशन भी यूज कर सकते हैं। दो मेथड है, एक है पल्पेटरी मेथड जो मैंने आपको बताया पल्पेट हम करते हैं, दूसरा होता है एस्कल्टेटरी मेथड जो आप लोग मुझे बता रहे थे कि आपने वहां पे स्थित को रखा और आप एस्कल्टेट कर रहे हो, आप उसको कफ से आपने कफ बांधा और फिर इसको प्रेस कर रहे हो प्रेस करके। अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन है, नीडल को कहाँ तक लेके जाना चाहिए? रीडिंग होती है 10, 20, 30, 40, 222 मैम इसलिए कि ना जब हम प्रेशर उसमें इंक्रीज करते जा रहे हैं ना, हम एयर उसको फिल कर रहे हैं ताकि जो ब्लड है ना वो उस एरिया में कम्प्लीटली स्टॉपेज हो जाए, इस वजह से हमें प्रेशर ज्यादा पड़ता है शायद। तो जरूर बच्चा आपको कैसे पता चला कि 220 या 240 तक लेके जाना है? मैम मैं भी मैयर करता हूँ घर पे, अपने टेस्ट पड़ा हुआ है ना इस वजह से। वो आप सही कह रहे हो, आप हाइपरटेंशन की वजह से। अच्छा मैं एक नई स्क्रीन शेयर करती हूँ, ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, आपने इतनी चीजें नहीं लिखी। अच्छा इसको हम पढ़ते हैं, एक है पल्पेट्री मेथड। पहले हम पल्पेटरी मेथड पढ़ते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया। एम्प्टी एयर फ्रॉम द कफ, ये जो आप बच्चे कफ लगा रहे हो ठीक है, एयर को बाज को तो होता है ना पहले बीपी चेक किया होता तो एयर अंदर ही होती है, तो पहले आप उस कफ को एम्प्टी कर लो और पेशेंट की आर्म पे वो कफ बांध दिया। फिर आपने क्या करना है, रेडियल पल्स को